अब मैं बताता हूँ। अब देखिए, हमने अपना जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है ना। अब क्या करना है, हम लोगों को फाइल मैनेजर ओपन करना है। दिस पीसी पर राइट क्लिक कीजिए। दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे ना, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना। फिर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज। उसमें आप सर्च कीजिए एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग पे क्लिक कीजिए, एडवांस सिस्टम सेटिंग। इन्वायरमेंट वेरिएबल ओपन कीजिए, के अब इसको थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर दिया अपना। फिर से फाइल मैनेजर ओपन कीजिए, सी ड्राइव के अंदर आइए। सी ड्राइव में आगे प्रोग्राम फाइल्स में आओ, 86 वाली नहीं, सिंपल। प्रोग्राम फाइल्स में आइए। प्रोग्राम फाइल्स में आपको जावा दिख रहा होगा, दिख रहा है? जावा को फोल्डर को ओपन कीजिए। अब जेडी के दिख रहा होगा, जेडी को ओपन कीजिए, बिन को ओपन कीजिए। यहाँ पे पाथ दिख रहा है ना, इस पाथ को कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया। अब जो आपने यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल ओपन किए थे ना, इसको ओपन कीजिए। यहाँ आपके पास एक है यूजर वेरिएबल, एक है सिस्टम वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिस्टम में ही रख देते हैं। ठीक है, तो पाथ पे क्लिक कीजिए, एडिट कीजिए उसको। एडिट करने के बाद सिस्टम वेरिएबल में पाथ पे क्लिक करो, ये वाला पाथ, पाथ दिख रहा है? पाथ पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक कर दो, न्यू पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दो। कर दिया, हो गया पेस्ट। ओके कर दो, ओके कर दो, ओके कर दो। अब हम ओपन करते हैं अपना सीएमडी। ठीक है, सीएमडी को ओपन कीजिए अपने। इसमें आपको दिख रहा होगा इस तरीके का इंटरफेस, कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे लिखिए जावा वर्जन हाइफन हाइफन वर्जन, स्पेलिंग देख लीजिएगा, गलती हो जाती है। एंटर एंटर, इस तरीके से आपको वर्जन दिखाई दे जाएगा कि आपके में क्या वर्जन, क्या आ रहा है वर्जन आपका। इस साइड अगर तो सामने दिखेगा बिल्कुल। तो हमारे में जावा इंस्टॉल हो चुका है ना। अब हम क्या करते हैं, अपने वीएस कोड को ओपन करते हैं, चेक करते हैं कि क्या भाई जावा चल रहा है अपने में या नहीं चल रहा है ना। हटाते हैं सारी फाइल, मैंने हटा दी। अब एक्सटेंशन से ऐड करते हैं। वैसे एक्सटेंशन ऐड ना करें तो ठीक रहेगा। शॉर्टकट्स का आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है? जो मैं शॉर्टकट्स यूज करता हूँ वो आप यूज मत करना, फॉर्मेट याद नहीं होगा ऐसे, है ना? तो एक्सटेंशन भी करनी है। आप रहने दो, है ना। फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि इन फ्यूचर जब आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा तो आप क्या करिएगा। जावा पे जावा क्लिक कर देना, जावा पे क्लिक कर देना, और इस तरीके से एक एक्सटेंशन पे क्लिक करना और इस वाले को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे फाइल बनाते हैं, फाइल बना लेते हैं इंडेक्स डॉट जावा। एक अलग फोल्डर के अंदर बनाना, ठीक है? फाइल का नाम कुछ भी रख इंडेक्स सकते हो आप, डॉट कुछ भी रख सकते हो आप।
हाँ डॉट एक एनोटेशंस होता है, डॉट नोटेशन कहते हैं इसको। अब ये क्या करता है कि आप इसके बाद किस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो ये आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो हम जावा में काम कर रहे हैं, तो आप जावा लिखिए। कर दिया। अब वो ये जो अगर कोई फॉर्मेट मैं लिख रहा खास हूँ ना, एक बार इस फॉर्मेट को पूरा लिखो खुद से, और इसके अंदर हेलो लिखिए वर्ल्ड प्रिंट कराइए। चेक कर लेते हैं कि सही में रन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। हो गया, आपके में ट्रायंगल साइन आ रहा है? नहीं आ रहा? ऊपर देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा। नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा। आप एक काम कीजिए, एक्सटेंशन को ओपन करो, यहाँ पे लिखिए कोड रनर, कोड रनर, इस वाले को इंस्टॉल कर लो। ठीक है, अच्छा आप देख जाएगा जैसे इंस्टॉल होगा, आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा। पब्लिक क्लास पे इंडेक्स। अच्छा सर, जैसे इंडेक्स नीचे लाइन पे लिख सकते हो ऊपर लिख सकते हैं, ऐसा तो कोई फायदा नहीं इसमें कि ड्यूरेबल लिख सकते इसका मैं बताऊंगा क्या तरीका है कि इसको हम अलग अलग लाइन में क्यों लिख रहे हैं, वो मैं भी बताऊंगा। मेमोरी ज्यादा नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये फॉर्मेट लिख लिया आपने पूरा? पब्लिक नहीं फिर लिख लीजिए, अभी समझ रहे हो ना तभी तो पूरा। कोई नहीं। डेस्कटॉप किसको? आपके बच्चों को? सर कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैं क्लास में हूँ। लिख लिया सर आपने? थोड़ी छुट्टी है सर। ये वाली तो मैं बड़ा कर देता हूँ ना इसको। अब ठीक है, दिख रहा है? नहीं देख तो वैसे मैं थोड़ा ना वो एफर्ट करना पसंद क्लास इंडेक्स। जी आपको प्ले करना पड़ेगा दोबारा सर। नहीं, मैं आपको बता दूं, इसमें तीन तरीके होते हैं रन कराने के। ठीक है, ठीक है पहला, इसमें आपको रन दिखाई दे रहा होगा ना, आप स्टार्ट डिबगिंग कर सकते हो। डिबगिंग मतलब ये एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को देखता है। ठीक है, यहाँ से क्या करता है, ये कंप्लीटली चलाता है। ठीक है, तो मैं इसको रन करूँगा, और यहाँ पे देखिए एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से रन कराता हूँ। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से रन कराता हूँ, है ना? ठीक है, ये चीज है। तो मैं ज्यादातर इसको यूज करता हूँ, इसको यूज करता हूँ, क्योंकि आप कभी इसमें यूजर से इनपुट लेना चाहेंगे ना, तो यूजर से इनपुट लेते टाइम पे ये वर्क नहीं करता कभी कभी। ठीक है ठीक ठीक है, ये वर्क नहीं करता। और आपका रन हो गया, ट्रायंगल पे क्लिक कर दो, देख लो एक बार रन हो रहा है नहीं हो रहा विदाउट एक्सटेंशन, नहीं तो फिर हम एक्सटेंशन से ऐड करते हैं। रिजल्ट आ गया है मगर तो उस डिबगर को हम जावा कंटिन्यू करो या आगे कंटिन्यू। ऐसा होता नहीं है सर, आपने सिंटैक्स गलत लिखा है। मेरा अब यहां पे कॉलम एक्स लिखे ना, ये मेरे को बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक है, ये सही है, ये मेरे बाय डिफॉल्ट आता है। अच्छा, मैं आप यहां पे प्रिंट एरर लिखा था, आई एन लिख दिया आपने। ठीक है, अब ठीक है, जब भी आप कुछ भी मॉडिफाई करेंगे ना कोड में तो हर बार सेव करना पड़ेगा।
सेव करना पड़ता है और इसको ऊपर ही रख दीजिए क्योंकि कोड देखने में अच्छा लगता है। जरूरी नहीं कि नीचे नीचे भी रहेगा तब भी चलेगा, बट कोड को अच्छा दिखना चाहिए। अब हम इसको रन कर, मैंने सेव कर लिया, अब इसको रन कराते हैं। जैसे मैंने बोला था कभी कभी रन नहीं करता, अब देख ये क्या करेगा, एक्सटेंशन के साथ लेकर वर्क करता है। मैंने एक्सटेंशन कुछ डाले नहीं है ना, मैं फिर से इसको रन कराने की ट्राई करता हूँ। मैं यहाँ पे सेव करते हैं, मना करा जाए। अब अगर मैं इसमें एक्सटेंशन डालता हूँ, आपके शॉर्टकट्स आ रहे हैं क्या? नीचे से पॉपअप आ गया है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रो बता देता हूँ एंड ये फॉर्मेट बता देता हूँ, फॉर्मेट वर्क कैसे करता है, ठीक है? सी प्लस प्लस क्या होती है, सी प्लस प्लस को एक्सप्लेन कीजिए आप एक बार। कोई भी हमने कुछ भी करना हो, जैसे एडिट करना कोई भी, उसमें सी प्लस प्लस पे जैसे सिंटैक्स तो क्या होता है उसका। और चलो मैं सी प्लस प्लस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अगर आपको सी प्लस प्लस की डेफिनेशन पता है तो आपको जावा की भी पता होगी, क्योंकि दोनों की सिमिलर है थोड़ी बहुत, है ना? तो जावा की डेफिनेशन लिख लीजिए। जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं वो कराता हूँ साथ में कराता हूँ। Java is a programming language and a platform next line मतलब next point बना लेना। it is a high level robust 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 object oriented and secure programming language. secure programming language and next ये यहाँ पे खत्म होता है। next पैरा में लिखना Java was developed by Sun Microsystems. it was developed by Sun Microsystems in year 1995. in year 1995. नेक्स्ट पॉइंट में लिखना जेम्स गॉसलिंग JAMES GOSLING गॉसलिंग लिख लिया। इज नोन एज द फादर ऑफ जावा। ठीक है, ये तो एक तरीके की छोटी सी डेफिनेशन हो गई, है ना? अब आगे का टॉपिक बताने से पहले मैं आपको ये फॉर्मेट समझाना चाहूंगा, ठीक है?
सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग ये नेक्स्ट लाइन में कोड लिखते क्यों है ना। तो देखिए, अगर मैं सभी को एक लाइन में रख देता हूँ ना, तब भी आपका कोड चलेगा, ठीक है। मैं इसको भी एक लाइन में कर देता हूँ। एक ये रॉ फॉर्म आ गई है ना, रॉ फॉर्म ये सेव कर लेता हूँ मैं, अब रन कराता हूँ। रन कराया तो देखिए चल गया। बट इसमें आप समझ पा रहे हैं क्या लिखा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे खत्म, नहीं हो रहा ना, ठीक है। इस वजह से मैं इसको पहले जैसे कर देता हूँ, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें भी समझाऊंगा। हेलो, ठीक है। अब देखिए हमारा कंप्यूटर किस तरीके की लैंग्वेज समझता जीरो है। 01, 01 को हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी बोलते हैं ना। इसमें कहीं 01 दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना। अब ऐसा क्यों है, मैं इसको थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले इनका काम समझ लेते हैं। पब्लिक क्या है यहाँ पर, पब्लिक क्लास मतलब पब्लिक कोई यहाँ भी कर सकता है, इसको यूज कर सकता नहीं, पब्लिक यहाँ पर एक मॉडिफायर है। क्या है। है मॉडिफायर, किस तरीके का मॉडिफायर है ये है एक्सिस स्पेसिफायर। स्पेसिफायर आपने थोड़ा सा सही बोला, पब्लिक कहीं भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। आउटसाइड द क्लास, इनसाइड द क्लास, नेस्टेड क्लास, कहीं भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आपने सही बोला था, बट क्या होता है वो पता चल गया। पब्लिक का काम क्या है वो समझिए, मैं पूरा लिख लेना एक बार, मैं भी रहने दो। पब्लिक का काम क्या है समझिए, ये क्या एक एक्सेस स्पेसिफायर है। ये क्या करेगा, देखेगा इसके आगे क्या रखा, क्लास रखा हुआ है। इसको बताने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई हमारे कोड को रीड कौन करता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। इंटरप्रेट तो कंपाइलर पे तो कंपाइलर आप कोड करता लिख रहे हैं, रीड करता है इंटरप्रेटर। और कोड को रीड किया जाता है लाइन बाय लाइन, कैसे रीड किया जाता है, है। नहीं, नहीं। लाइन बाय लाइन मीन्स टॉप से बॉटम तक, ठीक है। लाइन बाय लाइन। मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए इस जगह से हटाता हूँ, यहाँ से फिर से ऊपर कर दूंगा। अब देखिए इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कैसे रीड कर रहा है, पहले उसने इसको रीड किया, इसका मतलब समझा, फिर इसने देखा, इसको कहते हैं ओपन ब्लॉक। क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे ओपन है, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ग्लोब है यहाँ पर ये ओपन रखा हुआ है, उसने देखा ये ओपन है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, फिर गया इसके पास, इसको रीड किया, इसको इसको समझा, इसको समझा, इसको समझा, इसको, इसने फिर से देखा एक बार ओपन है, फिर आ गया वापस इसके अंदर, इसको इसने उसको पहचाना, फिर देखा इसके अंदर क्या इनपुट रखा हुआ, एंड देन ये देखिए, ये जो है ये क्या है, टर्मिनेटर है ये। जैसे हमारे पैराग्राफ में फुल स्टॉप होता है ना, वैसे ही ये है, ठीक है। इसने इस लाइन को यहाँ रुक दिया, इंटरप्रेटर ही रुक गया, आगे नहीं बढ़ा, फिर वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में पहुंच गया, यहाँ पे देखा ये तो क्लोज है, फिर कहाँ पहुंचा, यहाँ पे उसने देखा क्लोज है, फिर नीचे कुछ है नहीं, तो समझ गया कोड यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। अब ये लाइन बाय लाइन और ये इसके इनसाइड कैसे जा रहा है वो देखिए, मैंने क्या बोला लाइन बाय लाइन, यहाँ से रीड किया उसने, ओपन ब्लॉक देगा, फिर इसके अंदर गया, इसने देखा फिर से एक और ओपन है, एंड देन सो ऑन बढ़ता गया, ठीक है। अब ये तो एक लाइन में ये रॉ फॉर्म हो गई थी, हमने इस फॉर्मेट में इसलिए रखा कि हम कोड को इजीली रीड कर पाए, कर समझ में आ गए, ठीक है। मैं इसको वापस से अपनी जगह पे भेज देता हूँ। चलिए, तो इंटरप्रेटर ने पब्लिक को रीड किया, पब्लिक को समझा ये है क्या, उसने समझ लिया ये मॉडिफायर है, और इसका काम समझ लिया, इसका काम क्या है, एक्सेस करके स्पेसिफाई करेगा। ऐसा देगा ये हिसाब हाँ, से। उसने देखा यहाँ पे क्लास रखा हुआ है। अब क्लास क्या होता है, क्लास यहाँ पे देखिए, जब आप कभी किसी प्लॉट पर जाते हैं तो घर बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि भाई यहाँ पे गेट होगा, यहाँ पे एक रूम होगा, इस साइड एक किचन होगी, यहाँ पे ये हॉल हो गया, यहाँ पे हमारी सीढ़ियाँ आ गई, है ना, एक तरीके से ब्लू प्रिंट हो गया। तो क्लास भी नहीं, ब्लू प्रिंट होता है, ठीक है। ब्लू प्रिंट होता है किसके लिए, आपके ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट मीन्स एंटिटी, ये जो आप इसके अंदर बना रहे हो ये क्या है,
रूम्स किचन एंड हॉल ये सारे एंटिटी तो हो गए, एक तरीके से एट्रीब्यूट पैटर्न हो एट्रीब्यूट्स गया। को कहते हैं, हाँ एट्रीब्यूट्स अलग हो जाते हैं। एट्रीब्यूट अलग है, वो अलग है, ठीक है समझ गए। जब आप ऊप्स पढ़ेंगे ना तब मैं इसको अच्छे से बताऊंगा, अभी आप इतना समझिए क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, जो जो काम करनी है उसको मिटा देता ना, तो इस लाइन को भी मत याद करो क्योंकि अभी ये समझिए क्लास के ब्लूप्रिंट है। ठीक है अब वो समझ गया भाई, आपने जो प्लॉट दिया वो किसके नाम पे, वो इंडेक्स के नाम पे है ना। फिर उसने देखा चलो ठीक है आपने बता दिया, अब चलो इस प्लॉट के अंदर चलते हैं, ठीक है। ये ओपन ब्लॉक देखा इसने, ओपन ब्लॉक के अंदर आया, एंटर कर गया। ठीक है ठीक है। फिर यहाँ पे वही सेम बंदा, ये भी यही काम करेगा स्टैटिक का। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक मीन्स कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। स्टैटिक मीन्स कॉन्स्टेंट। एक हमारी स्टैटिक वेबसाइट होती है, एक होती है हमारी डायनेमिक वेबसाइट, यही होती है ना। स्टैटिक में आप चेंज नहीं कर सकते, डायनेमिक में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट आपने देखा है, स्टैटिक वेबसाइट देखी आपने, हाँ यार जैसे जो भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं ना, जैसे कि मैं किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, लाइक हम ओपन कर लेते हैं इसी वही ओपन कर लिया, ठीक है। या फिर मैं फ्लिपकार्ट ओपन कर लेता हूँ, उसमें और अच्छे से पता चलेगा आपको। फ्लिपकार्ट ये अभी एक स्टैटिक है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते परमानेंट, है ना। अरे यार हट गया, आप यहाँ से इमेज नहीं हटा सकते, टेम्परेरी कर सकते हो, टेम्परेरी यहाँ से आप नाम भी चेंज कर सकते हो, वो तो वहां की नहीं थी, टेम्परेरी आप यहाँ से इमेज भी हटा सकते हो, मैं वो तो इंस्पेक्ट कर लेता इंस्पेक्ट करके, है ना, हूँ। बट परमानेंट नहीं किया जा हाँ सकता। इंटरनल नहीं होता बट है। इसमें डायनेमिक क्या है, आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे ना तो बाद में जाके आप अपना यूजर नेम चेंज कर सकते हो, है ना। प्रोफाइल में जाके यूजर नेम चेंज किया जा सकता है, आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, वो आपका बैकएंड का पार्ट आ गया। मीन्स एक तरीके से पूरी वेबसाइट के ई कॉमर्स वेबसाइट है, जो डायनेमिक भी है और स्टैटिक भी है ना। इसको फुल स्टैक वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। अब इसको हटाते हैं हम, फिर से हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब वॉइड का काम समझिए, वॉइड क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। वॉइड, वॉइड क्या है आपका, एक वॉइड एक तरीके का रिटर्न टाइप है, क्या है, रिटर्न रिटर्न, RETURN, रिटर्न टाइप है, ठीक है। बट ये वॉइड रिटर्न टाइप तो है बट रिटर्न वैल्यू नहीं देता, रिटर्न वैल्यू नहीं देता ये, ठीक है। अभी आपको ना इसमें क्या क्या समझ में नहीं आएगा, आपको क्लास का नहीं पता चल रहा होगा अभी। स्टैटिक, वॉइड, मेन, ये सारे ना ऊप्स के पार्ट है, जब आप ऊप्स पढ़ेंगे ना तब आपको ये सारी चीज दिखाई देंगी, ठीक है। अभी आप इसमें कुछ नहीं समझ पाएंगे बट आपको लेकिन थोड़ा आइडिया रहेगा, जब आप थोड़ा ऊप्स पढ़ेंगे तो उस टाइम पर आपको आइडिया रहेगा कि यार ये मैं पढ़ चुका हूँ, है ना। अब ये चीज हो गई, अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो मेन रखा मेन हुआ है ये है क्या, ठीक है। मेन इसी तरीके से इसके अंदर ये को यहाँ पे रखे हुए हैं, इनको पैरामीटर्स कहते हैं, वैसे रखे हुए, मैं लिख नहीं रहा। एक बात याद रखना, एक्स वाई जेड कुछ भी हो जिसके आगे सी ब्रैकेट, जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं, अगर ये रखे हुए हैं तो मीन्स ये पूरा एक या तो मेथड होगा, मेथड बोल सकते हो, या तो क्या कह सकते हैं आप इसको, फंक्शंस कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फंक्शंस। ये क्या है फिर, मेथड मेन फंक्शन है या मेन मेथड है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, क्या हटा दूं इसमें से, ये हटा देता हूँ, स्टैटिक डायनेमिक हटा देता हूँ, ये बॉक्स हटा देता हूँ, ये बाइनरी हटा देता हूँ। अब देखिए ये तो समझ गया कि मेन फंक्शन रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, ये मतलब स्क्वायर ब्रैकेट क्या उसने है, बताया कि स्ट्रिंग है जो मेन फंक्शन में हम प्ले करेंगे, स्ट्रिंग है जैसे कोई भी लाइन हो गया है जैसे सिंग दिया या जो भी है तो स्ट्रिंग है, इसलिए हमें स्ट्रिंग लिखा है। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आर्क्स क्या है। देखो स्क्वायर ब्रैकेट आप पे एक एरे को रिप्रेजेंट करता है, किसको, एरे को। आर्क्स होते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप आपके यहाँ पे क्या है, ये एक डेटा टाइप है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में मैंने लिख दिया,
है ना। बस आप याद रखें पब्लिक का भी, खाली खाली पब्लिक याद रखें, थोड़ा बहुत तो याद होगा इनमें से किसी ना किसी का, है ना। अब मैं इन सबको गायब कर देता हूँ। ठीक है, किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है अब समझते हैं इसको, ठीक है। नहीं, ऊपर वाली लाइन एक बात पूछनी थी। आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैचिंग बता दिया। आर्ग से जो है आर्गुमेंट्स, अगर हम आर्गुमेंट्स नहीं लिखे तो क्या मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुड क्वेश्चन, समझाता हूँ इसके बारे में भी। अभी जो फॉर्मेट यहाँ पे रखा हुआ है ना, इसको हटाकर, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आता है, इस बात को याद रखना, ये मैंने बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक हाँ है। अच्छा, अभी बाय डिफॉल्ट है। हाँ, ये जो यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपका ना जावा का फॉर्मेट है। क्या ये फॉर्मेट, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये केस सेंसिटिव भी है, केस सेंसिटिव भी है ये। अब केस सेंसिटिव क्या होता है, केस सेंसिटिव मीन्स जो भाई स्मॉल लेटर में है वो स्मॉल में रहेगा, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में ही रहेगा, ठीक है। अगर आपने एक भी स्पेलिंग यहाँ पे लोअर को अपर में किया, अपर को या लोअर में किया, तो वो आपको दिक्कत देने वाली है। मैं यहाँ पे एस को गलत कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसने मुझे सिंटेक्स यहाँ एरर पे बना क्या बोला, सिंटेक्स एरर ऑन टोकन स्टैटिक, यहाँ पे दिक्कत बता रहा है। साथ में और सिलेक्शन उसने होना बताया एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए, चाहिए। है ना। तो केस सेंसिटिव मतलब समझ गए कि जो पहले से ही प्री डिफाइंड है आप उनमें चेंज नहीं कर चेंज नहीं कर सकते, सकते। छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा क्यों भाई, चाहे आप स्मॉल लिख लो चाहे आप कैपिटल एस लिख लो, बात तो दोनों की सेम है ना। ऐसा क्यों होता है ये देखिए, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अभी इसका एक आपको इसका एक रियल एग्जांपल देता हूँ, दिखाता हूँ ऐसा क्यों होता है। आप कंपनी में जाते हैं, कंपनी वाले आपको आई कार्ड पकड़ाते हैं, आपका नेम क्या है, इंद्रप्रीत सिंह, इंद्रप्रीत सिंह, है ना। तो आपके नेम के और भी बंदे हो सकते हैं, इंद्रप्रीत एक तो नहीं है, और भी हो सकते हैं, है ना। तो सभी को इंडिविजुअल एक आई कार्ड दिया जाता है, आई कार्ड में सबका आईडी नंबर होता है। तो वैसे ही यहाँ पे ना जो भी प्री डिफाइंड चीजें हैं उनका एक न, कुछ ना कुछ बाइट कोड होता है, और बाइट कोड इज सिमिलर टू आईडी कोड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंट एक्स इक्वल टू, मैंने एस को कैपिटल किया था ना, हम एस का निकालते हैं, स्मॉल एस रख दिया यहाँ पे, फिर इंट वाई इक्वल टू, हम यहाँ पे कैपिटल एस का निकालते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं, पहले मैं एक्स को प्रिंट कराता हूँ, फिर मैं यहाँ पे किसको प्रिंट कराता हूँ, वाई को। बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, है ना, उसके बाद के स्मॉल लिखो तो चलेगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो चीज़ पहले से प्री डिफाइंड है वो रहती है। अब देखिए स्मॉल एस का क्या निकल कर आया, 115, 113, ठीक है। कैपिटल एस का क्या निकल कर आया, 83। 83। आप समझ में आ गए केस सेंसिटिव क्यों होता है ना। कुछ ऐसा तो नहीं ऊपर से फर्स्ट ज़्यादा, टाइम वैल्यू जैसे होती है, ये एस का ही वैल्यू है, फर्स्ट टाइम वैल्यू ये मैं बोलने वाला था अभी, ठीक है। ये एस का ही वैल्यू है, अमेरिकन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब तो अब केस होता नहीं। सेंसिटिव में समझ में आ गया ना आपको, ठीक जी। है। अब देखिए अब हम वापस आ जाते हैं अपने थ्योरी पे, ठीक है। तो फॉर्मेट मैं आपको समझा चुका हूँ, रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है, रिकॉर्डिंग आप घर जाके देख लेना, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले, है ना। तो डाल दीजिए हेडिंग अप एप्लीकेशंस, नहीं वो लास्ट में लैंड था कि वो वैसे ही सिस्टम टूट आउट तो नहीं वो मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, अच्छा। ये बेसिकली ऊप्स के बाद समझाता तो अच्छा रहता, बट अभी समझा देता हूँ अगर आप समझना चाहते हो तो। देखिए नहीं आप सिस्टम जो है ना, सिस्टम एक क्लास है, ठीक है। आउट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, आउट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, क्या है ये एक तरीके से, मैंने क्या बोला था, फंक्शन एक्स वाई जेड, ये इस तरीके से तो क्या हो गया, फंक्शन। तो प्रिंट एलन एक फंक्शन है, हाँ फंक्शन टाइप फंक्शन ठीक है। क्या है फंक्शन, क्लास के, क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हो आप एक फंक्शन को, को और ये सारा काम कौन करता है, बैकएंड में जेवीएम, ठीक है।
JVM इस मेन फंक्शन को कॉल कराता है एंड देन ये सारी चीज वर्क करती है, ठीक है। अब JVM क्या होता है, JRE क्या होता है, JDK क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन, तो वो हम अभी थोड़ी देर में थ्योरी करेंगे उसको और समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया, ये तो आपको पता ही चल गया ये फंक्शन है, ठीक है। तो बस इतना सा डॉट नोटेशन क्या है, एक तरीके से उसके पार्ट बताता है कि भाई इसके साथ आप क्या यूज कर रहे हो, ठीक है। सिस्टम से आप क्या, सिस्टम ने आपने सिस्टम का आपने क्या बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से आप किसको कॉल करा रहे हो, फंक्शन को, ठीक है। तो ये आगे का पार्ट था, उसका पार्ट था, तो कोई बात नहीं। अच्छा हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशन, हाँ नोटपैड, ये जो मैंने इसमें लिखा है ना अभी इस पे समझाया वो आप रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊप्स का पार्ट है, करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन, ठीक है। अब जावा की एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है, कल मैंने बताया था डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकती है, लिख लो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है। अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपने यूज किया है, रियल टाइम में भी यूज किया, बताओ क्या क्या यूज किया आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एंटीवायरस यूज किया, ठीक है, अडोब रीडर यूज किया आपने, ठीक है, मल्टीमीडिया, और मल्टीमीडिया यूज किया होगा, मीडिया प्लेयर जो होता है, मीडिया प्लेयर, ये सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन होते हैं, तो ये चीज आप इससे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका वेब एप्लीकेशन, ठीक है, वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, WEB वेब एप्लीकेशन, जितनी भी आप वेबसाइट देखते हैं ना वो सारी की सारी वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। एंटरप्राइज एप्लीकेशन, एंटरप्राइज, ENTERPRISE, EN एलिफेंट, ENTERPRISE, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये कौन सी एप्लीकेशन होगी, जैसे कि आपकी बैंकिंग की एप्लीकेशन होती है ना, ये होती है एंटरप्राइज एप्लीकेशन। बैंक की एप्लीकेशन यूज की होगी आपने, वो फोन पे, फोन पे, वेबसाइट पे, वो सारी आपकी एंटरप्राइज एप्लीकेशन होती है, ठीक है। बोरिंग लग रहा है, नहीं मैंने बोरिंग लग रहा है। अच्छा जो हम लॉग इन करते हैं जैसे ई बैंकिंग करते हैं वो वेब एंटरप्राइज है। हाँ मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं आप हाँ, इससे, मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है, जो सर्वर पे वर्क कर सकते हो आप, ठीक है। स्मार्ट कार्ड के बारे में आपने सुना होगा, स्मार्ट कार्ड वो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। रोबोटिक्स, गेम्स, काफ़ी सारे ऑप्शन है, ये सारे एप्लीकेशन, चार एप्लीकेशन आपको याद रखना है, ठीक है, कोई से भी चार याद रख लो, बस चार याद रहनी चाहिए और उनके बारे में पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन हो गए, तो सारी एप्लीकेशन मैं दिखवा चुका हूँ आपको, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे JDK, JRE, JDK, JRE, JVM, ठीक है, इनकी बात करते हैं। हाँ JVM, ठीक है। तो फर्स्टली मैं बताऊंगा आपको JVM, ठीक है, JVM, JVM क्या होता है, क्या होता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन, इसका काम क्या होता है पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको JVM क्या करता है। JVM जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जब हम फॉर्मेट पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था, हिंट दे देता हूँ, JVM क्या करता है, आपके मेन फंक्शन को रन कराने का काम करता है, ठीक है, ओके, है ना। जैसे कि लिख लीजिए, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, इट इज कॉल्ड अ वर्चुअल मशीन, इसके बाद ये फुल स्टॉप लगाकर नेक्स्ट टाइम लिख लो, इट इज कॉल्ड अ वर्चुअल मशीन, VIRTUAL, वर्चुअल मशीन, बिकॉज वर्चुअल मशीन क्यों कहा जाता है लिख लीजिए, बिकॉज इट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, इट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, ठीक है। इट इज अ स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड्स अ रन टाइम एनवायरनमेंट,
इन विच, जहां पर बाइट कोड एग्जीक्यूट होता है, इन विच इन बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूट। ठीक है, लिख लिया, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये था आपका जेवीएम। कोई अगर पूछे जेवीएम क्या होता है तो आप इसको ही बताइएगा। इजी लैंग्वेज में सिंपल है, ठीक है, और ये प्रैक्टिकली करके दिखाया अभी अभी आपको, है ना? क्या ही ये एब्स्ट्रैक्ट मशीन है और जो आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करता है। कैसे? आपके मेन फंक्शन को रन करा के या कॉल करा के। ठीक है, अब आप जब आप मेथड बनाओगे ना खुद के, खुद की क्लास जब बनाओगे, खुद के मेथड बनाओगे ना, तब आप ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, करो। हाँ, अब हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे, जे आर ई हेडिंग डाल लीजिए। क्या होता है जे आर ई? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, लिख लीजिए, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। क्या होता है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। और इसको आप कह सकते हो, इट इज रिटन एज जावा आर टी ई, इट इज ऑल्सो रिटन एज जावा आर टी ई। जावा आर टी ई मीन्स रन टाइम इन्वायरमेंट, इसको इस तरीके से बोला जा सकता है। ठीक है, अब ये क्या है? इट इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स, इट इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स विच आर यूज फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन, डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन। ओके, लिख लिया। इट इज यूज टू प्रोवाइड द रन टाइम एनवायरमेंट, एंड 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 इट फिजिकली एग्जिस्ट, ये फिजिकली एग्जिस्ट भी करता है। लिख लिया, इट इज यूज रन टू प्रोवाइड द रन टाइम एनवायरमेंट, इट कंटेन अ सेट ऑफ लाइब्रेरीज एज वेल एज अदर फाइल्स डेट जेवीएम यूजेस एट रन टाइम। ये तो जेवीएम हो गया, है ना? सेट ऑफ लाइब्रेरी, इट इज सेट ऑफ इट इज अ लाइब्रेरी। सेट ऑफ लाइब्रेरी एज वेल एज अदर फाइल्स डेट जेवीएम यूज एट रन टाइम, क्योंकि इनसे भी पूछ लिया जाता है ना, जेआरई क्या होता है बताओ, जेवीएम क्या होता है। अब लास्ट क्या बच गया अपन लोगों का? एक क्या बच गया? जेडीके। क्या होता है जेडीके? हाँ, जेडीके एक तरीके से जावा डेवलपमेंट किट ही होता है। अब ये क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आप इसको ये भी कह सकते हो, इट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, इट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट विच इज यूज टू डेवलप, विच इज यूज टू डेवलप जावा एप्लीकेशन, एंड ये भी फिजिकली एग्जिस्ट करता है, इट्स फिजिकली एग्जिस्ट, इट फिजिकली एग्जिस्ट। अब ये क्या कंटेन करता है? इट कंटेन, नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन में, इट कंटेन जे आर ई प्लस डेवलपमेंट टूल। ठीक है, प्लस डीआरई प्लस वर्कमैन, जे आर ई प्लस डेवलपमेंट टूल। अब देखें यहाँ पे, मैं एक डायग्राम के थ्रू ना ये आपको पूरी थ्योरी समझा दूंगा, डायग्राम के थ्रू पूरी थ्योरी समझने वाले हो। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? जेवीएम, ठीक है, फिर आपने क्या पढ़ा? डीआरई जे आर ई, अदर फाइल्स, फिर आपने क्या पढ़ा? जेडीके। जेडी के। कुछ समझ में आ रहा डायग्राम से? जेडी के इन दोनों को रखता है अपने पास, कंटेन करता है ना? तो इस डायग्राम के थ्रू पूरा याद कर सकते हो। जेआरएफ के अंदर जेबीएम और उधर फाइल्स,
है ना, सिंपल है ना। तो थ्योरी आप अच्छे से समझ गए ना, जिंदगी से तो डायग्राम बना सकते हो डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये चीज तो आप समझ गए। रिकॉर्डिंग से तो आप तो अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। ठीक हाँ है, वो बन रहा अब यहाँ पर क्या है कि मैं आपको एक यहाँ पे नॉर्मल सा ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है, int x इक्वल टू 7, int y इक्वल टू 9। ठीक है, साउट एक्स प्लस वाई, ठीक कुछ समझ में आया इसमें? है। हाँ वहाँ हमने इंटीजर लिया एक्स, उसको वेरिएबल एक्स डिक्लेयर क्या है यहाँ किया पे, था इंटीजर, एक्स क्या है यहाँ पे, वेरिएबल सेवन, वेरिएबल सेवन क्या है यहाँ पे, डिक्लेयर किया, ऑब्जेक्ट है सेवन क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्या है सेवन क्या है यहाँ पे, वैल्यू। वेल्यू। ठीक है, सेवन वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, ये सेमी कोड आपने बताया था टर्मिनेटर, टर्मिनेटर। फुल हाँ स्टॉप से याद रखो, फुल स्टॉप। अभी अभी काम कर सकते हो, जैसे ही स्लैश करके ना आगे लिख सकते हो कि एक्स इज हाँ इक्वल हाँ टू ही कोई, याद रहे मतलब। हाँ मैं कर सकता हूँ, बट ये मैं अभी ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, अच्छा ये अभी हमने वेरिएबल स्टार्ट करा ही नहीं है, ओके ओके हमने ओके अपनी अच्छा डेटा टाइप ही नहीं पढ़ा, वैसे हमने बस आप अभी ये देखा है कि इंस्टॉलेशन पार्ट कैसे हुआ है। ठीक है, हमारा जावा रन कैसे करता है, ठीक जावा के है बैक एंड में कौन वर्क करता है, खाली हमने ये देखा, मतलब कि एक इंट्रो पार्ट देखा है पूरा कि कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और कल मैं ये सारी चीज़ पूछूंगा आपसे, है ना। तो मैं इसको यहीं रोक देता हूँ।